नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो घटना है दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था। कमरे में सिर्फ तीन लोग बैठे थे। एसपी डॉक्टर इराज राजा के सामने लोनी सर्कल के सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय और लोनी बॉर्डर थाने के थाना प्रभारी सचिन कुमार थे। पिछले 24 घंटे में उस पेचीदा मामले ने तीन अफसरों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। कत्ल की उस वारदात में कई ऐसे पेच थे जिसने सवालों का अंबार खड़ा कर दिया था। उन्हीं उलझी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए तीनों अधिकारी माथापच्ची कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्लू हाथ नहीं आ रहा था जिससे कत्ल की इस वारदात का अंतिम सिरा हाथ आ सके। 20 नवंबर को लोनी के A105 इंद्रपुरी में रहने वाले मनीष त्यागी ने लोनी बॉर्डर थाने में आकर सूचना दी कि उसके घर के सामने खाली प्लॉट में एक लाश पड़ी है। इस सूचना पर लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी सचिन कुमार जब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि वो किसी पुरुष की लाश थी। लाश बुरी तरह से जली हुई थी, खासकर लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि उसे देखकर मरने वाले की पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले आसपास रहने वाले लोगों को बुलाकर लाश की पहचान कराने की कोशिश की। लोगों से ये भी पूछा गया कि किसी घर से कोई लापता तो नहीं है। लोगों ने लाश के कपड़े वो कदकाठी से उसकी पहचान करने की कोशिश की, मगर पुलिस को इस काम में कोई सफलता नहीं मिली। लाश की सूचना मिलने पर लोनी क्षेत्र के सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय और एसपी डॉक्टर इरज राजा भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी ने एक खास बात नोट की थी कि हत्यारे ने लाश के चेहरे वो ऊपरी भाग को ही जलाने का प्रयास किया था। धड़ से नीचे का हिस्सा वो उस पर पहने हुए कपड़े सही सलामत थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले पुलिस ने जब उसके पहने हुए कपड़ों की तलाशी ली तो आश्चर्यजनक रूप से उसमें से 150 रुपए तथा एक आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड मिलने के बाद पुलिस वालों की आंखें चमक उठी। मृतक की जेब से जो आधार कार्ड मिला था उसके मुताबिक मृतक 40 वर्षीय सुदेश कुमार पुत्र रामपाल था, जिसके निवास का पता मकान नंबर 331 गली नंबर 4 फेस 4 शिव विहार करावल नगर पूर्व दिल्ली था। एसपी के आदेश पर एसएसआई प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में उक्त पते पर भेजा। पुलिस को वहां सुदेश की पत्नी अनुपमा मिली। पुलिस ने जब अनुपमा से उसके पति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पति एक दिन पहले किसी काम से बाहर गए हैं और अब तक लौटकर नहीं आए। आशंकित अनुपमा ने जब पुलिस से इस पूछताछ का कारण जानना चाहा तो पुलिस को बताना पड़ा कि उन्हें लोनी बॉर्डर के इंद्रापुरी इलाके में एक जली हुई लाश मिली है जिसकी जेब में वो आधार कार्ड मिला है जिसकी वजह से वो उनके घर पहुंची है। हाँ हाँ, लाश उन्हीं की होगी क्योंकि वो आधार कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखते थे, कहते हुए अनुपमा ठीक उसी समय दहाड़े मारकर रोने लगी। आमतौर पर एक औरत जैसे अपनी पति की मौत के बाद विलाप करती है। देखिए, आप रोना बंद कीजिए क्योंकि मरने वाले की जेब से जो आधार कार्ड मिला है वो आपके पति का है, इसलिए पहले आप लाश की पहचान कर लीजिए। हो सकता है जो शव मिला है वो आपके पति का ना हो, कहते हुए दिलासा देकर एसएसआई प्रदीप शर्मा अनुपमा वो उसके बेटे को अपने साथ ले गए। तब तक थाना प्रभारी सचिन कुमार, एसपी डॉक्टर इरिज राजा व सीओ उपाध्याय के कहने पर शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। एसएसआई प्रदीप शर्मा, अनुपमा वो उसके बेटे को लेकर वहीं पहुंच गए। उन्होंने जब अनुपमा को जली हुई अवस्था में मिला शव दिखाया तो अनुपमा का विलाप और भी बढ़ गया क्योंकि उसने शव देखते ही हृदय विदारक ढंग से रोना शुरू कर दिया था। अब जबकि लाश की पहचान सुदेश कुमार के रूप में हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने ही पहचान की थी, इसलिए पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों को सुपुर्द कर दिया। उसी दिन शव का पोस्टमार्टम हो गया और पुलिस ने सुदेश का शव उसकी पत्नी अनुपमा के सुपुर्द कर दिया। अनुपमा ने उसी शाम अपने परिजनों व जान पहचान वालों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया।
सवाल था कि सुदेश की हत्या क्यों और किसने की है, और शव को इतनी दूर ले जाकर ठिकाने लगाने व उसकी पहचान मिटाने का काम किसने किया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए गहन जांच पड़ताल की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर इरिज राजा ने सीओ रजनीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। टीम में थाना प्रभारी सचिन कुमार, एसएसआई प्रदीप शर्मा, एसआई अमरपाल सिंह, ब्रिज किशोर गौतम, कृष्ण कुमार, हेड कांस्टेबल उदित कुमार, राजीव कुमार, अरविंद कुमार, महिला कांस्टेबल कविता, एसओजी के हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, नितिन कुमार, पंकज शर्मा व अनिल सिंह आदि को शामिल किया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसके लिए सबसे पहले पुलिस टीम ने सुदेश कुमार की जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की, क्योंकि आमतौर पर जब कातिल गुमनाम हो तो कत्ल का सुराग मरने वाले की जन्म कुंडली में ही छुपा होता है। पुलिस की टीम ने सुदेश कुमार की पत्नी, उसके बेटे और आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल जिस सुदेश के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी उसके बारे में जानकारी मिली कि वो खुद एक कातिल है और इस समय पेरोल पर है। दरअसल अपने घर में ही परचून की दुकान चलाने वाले सुदेश के परिवार में पत्नी अनुपमा के अलावा दो बच्चे थे, 17 साल का बड़ा बेटा सुनील और 13 साल की एक बेटी वंशिका। लेकिन बेटी इलाके के खराब माहौल के कारण गंदी सोहबत का शिकार हो गई और कम उम्र में ही उसके इलाके के किशोर लड़कों से प्रेम संबंध बन गए। सुदेश व उसकी पत्नी ने बेटी को कई बार डांट फटकार कर उसे समझाना चाहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सुदेश की बेटी इलाके के एक युवक के साथ घर से भाग गई। इसके कारण इलाके में उनकी बहुत बदनामी हुई। काफी भागदौड़ के बाद बेटी घर तो वापस आ गई, लेकिन अपमान का घूंट सुदेश से पिया नहीं गया। उसने इस घटना के बाद मार्च 2018 में वंशिका की हत्या कर उसके शव को मंडोला में आवास विकास कॉलोनी के पास खाली जमीन में फेंक दिया। इसके बाद उसने करावल थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। बाद में वंशिका का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सुदेश को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था। तभी से सुदेश मंडोली जेल में बंद था, लेकिन 2021 को कोरोना की दूसरी लहर में जब सरकार ने विचाराधीन कैदियों को पेरोल पर छोड़ने का फैसला किया तो 21 मई को सुदेश को भी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसी वक्त से सुदेश अपने बच्चों के बीच था। 21 नवंबर को सुदेश की पेरोल अवधि खत्म हो गई थी। वो जेल में पेश होने के लिए गया, मगर वहां किसी कानूनी अड़चन के कारण उसे जेल में नहीं लिया गया और उसे 22 दिसंबर 2021 दूसरी डेट पर जेल में पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन इसी बीच किसी ने बेदर्दी से सुदेश की हत्या कर दी। ऐसा कौन था जिससे सुदेश की ऐसी दुश्मनी थी कि वो उसकी इतनी बेदर्दी के साथ हत्या कर देगा। ये सब जानने के लिए पुलिस ने सुदेश की पत्नी व उसके जान पहचान वालों से खूब कुरेद कर पूछताछ की, मगर सुदेश की हत्या का कारण व उसके कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को ना तो किसी से सुदेश की दुश्मनी का सुराग मिल रहा था, ना ही किसी से लेन देन के विवाद की खबर मिल रही थी। लेकिन एक ऐसी बात जरूर थी जिसके कारण जांच की कवायद से जुड़े एसपी डॉक्टर इरिज राजा, सीओ रजनीश उपाध्याय और थाना प्रभारी सचिन कुमार उस पर घंटों से माथापच्ची कर रहे थे। दरअसल गहराई से पड़ताल करने के बाद कुछ ऐसे सवाल उभरे थे जिनका पुलिस को जवाब ढूंढना था। पुलिस को लाश की जेब से सुदेश कुमार का आधार कार्ड तो मिल गया था, लेकिन जो एक बात हैरान कर रही थी वो ये कि लाश बेशक पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन जेब में पड़ा आधार कार्ड बिल्कुल सही सलामत था, जिसे देखने से लगता था कि शायद ये कार्ड किसी ने आग बुझने के बाद लाश की जेब में डाल दिया हो। बस यही बात थी जो पुलिस को लगातार खटक रही थी, क्योंकि सुदेश की हत्या करने के बाद उसके चेहरे को इसलिए जलाया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके, तो भला वो कातिल उसकी जेब में आधार कार्ड क्यों छोड़ेगा। दोनों ही बातें एकदम विरोधाभासी लग रही थी और शक पैदा कर रही थी। शक का एक दूसरा कारण और भी था, क्योंकि सुदेश की मौत के बाद जब उसके शव का पोस्टमार्टम हो गया तथा उसका अंतिम संस्कार हो गया तो 3 दिन बाद से ही उसकी पत्नी लोनी बॉर्डर थाने में आकर पुलिस से सुदेश की मौत का डेथ सर्टिफिकेट देने की मांग करने लगी। जिस महिला के पति की मौत होती है वो तो महीनों तक अपने गम और सदमे से उभर नहीं पाती, लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा
हर रोज थाने आकर पुलिस से अपने पति की मौत का सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही थी। पुलिस के लिए उसका व्यवहार बड़ा अटपटा था। पुलिस ने जब उससे कारण पूछा तो वो कहने लगी कि उसे मंडोली जेल में सर्टिफिकेट देना है और उन्हें सुदेश के सरेंडर करने की डेट से पहले ये बताना है कि उसकी मौत हो चुकी है। अनुपमा का ये रवैया भी हैरान कर रहा था, इसलिए एसपी इर्ज राजा ने इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल सर्विलांस टीम के साथ साथ मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सुदेश की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। सीओ उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने गोपनीय ढंग से सुदेश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू किया, ताकि पता लगाया जा सके कि वारदात से पहले सुदेश कब और किसके साथ घर से गया था और उसने कौन से कपड़े पहने थे। संयोग से सुदेश के घर से कुछ ही दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ऐसी फुटेज मिल गई जिसने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी। सीसीटीवी कैमरे में 19 नवंबर 2021 की रात को एक संदिग्ध शख्स नजर आया। ये शख्स एक साइकिल पर एक बड़ी सी बोरी लेकर जा रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे इस शख्स की पहचान पता करने की कोशिश की और मुखबिरों को ये तस्वीर दिखाई। तब आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सुदेश कुमार था। इसका मतलब था कि सुदेश कुमार मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। तो फिर उसकी साइकिल पर जो बोरी लदी थी उसमें वो क्या लेके जा रहा था। सीसीटीवी में सबसे हैरान करने वाली बात ये दिखी कि आखिरी बार देर रात को करीब 11 बजे अपने घर से निकले सुदेश के शरीर पर वो कपड़े भी नहीं थे जो इंद्रापुरी में जली हालत में मिली लाश के शरीर पर थे, जिसे अनुपमा ने अपने पति की बताया था। राज बहुत गहरा था, इसलिए इसकी तह में जाने के लिए पुलिस की टीम ने आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को अपने विश्वास पे लेकर सुदेश के घर पर नजर रखने के लिए लगा दिया। पुलिस को एक दो दिन में ही जानकारी मिली कि सुदेश वाकई मरा नहीं जिंदा है और अक्सर देर रात में अपने घर चोरी छिपे आता है ताकि किसी को भनक ना लग सके। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस समझ गई कि ये एक बड़ी साजिश है, इसलिए पुलिस ने अब सुदेश की पत्नी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस को फोन की सर्विलांस लगाने का फायदा मिला और एक ऐसा संदेश मिला जिससे पता चला कि सुदेश न सिर्फ जिंदा है बल्कि चोरी छिपे अपने परिवार से भी मिलता है। इसी क्रम में वो 10 दिसंबर 2021 की रात को अपने घर आया था और आसपास जाल बिछाकर खड़ी पुलिस टीम ने सुदेश को दबोच लिया। पुलिस ने उसकी पत्नी अनुपमा को भी हिरासत में ले लिया। दोनों को थाने लाकर उच्च अधिकारियों के सामने जब पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसे हत्याकांड की ऐसी कहानी सामने आई जिसमें मृतक मानकर पुलिस उसके कातिल को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही थी, लेकिन पता चला वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने खुद को मरा साबित करने के लिए किसी और की हत्या कर उसे अपनी पहचान दे दी थी और इस काम में उसकी पत्नी ने उसकी पूरी मदद की थी। सुदेश व उसकी पत्नी से पूछताछ में पता चला कि 22 दिसंबर को इसे वापस जेल जाना था। जब वो जेल में था तो उसे साथी कैदियों ने बताया था कि जिस तरीके के सबूत उसके खिलाफ है उसके मुताबिक उसे सजा मिलनी तय थी और कम से कम उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। जब 21 नवंबर को उसे जेल में नहीं लिया गया तो उसने सोचा कि शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि वो जेल जाए। इसके बाद से ही उसने इस बात पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कैसे जेल जाने से बचा जाए। कई दिन तक खूब दिमाग लगाया लेकिन कोई तरकीब नहीं सूझी। अचानक एक दिन टीवी पर एक फिल्म देखकर आइडिया मिल गया जिसमें जेल से भागे एक कैदी ने किसी आदमी की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहनाकर उसके चेहरे को जला दिया और पुलिस ने मान लिया कि कैदी मारा गया है। ये आइडिया आते ही सुदेश ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि वो खुद को इसी तरह जेल जाने से बचा सकता है। सुदेश ने जब अपनी पत्नी को दिल की बात बताई तो थोड़ी नानुकुर के बाद अनुपमा को भी ये बात पसंद आ गई। वैसे भी कोई भी पत्नी चाहेगी कि उसका पति जेल जाने से बच जाए। काफी विचार विमर्श के बाद सुदेश और अनुपमा ने इस काम के लिए एक मजदूर का इंतजाम करने के लिए अपनी छत को ठीक कराने का बहाना बनाया। इसके लिए सुदेश 18 नवंबर 2021 को लेबर चौक गया और अपनी कदकाठी के एक मजदूर जिसका नाम डोमन रविदास था और वो बिहार के गया जिले के अतरी का रहने वाला था उसको ले आया।
18 नवंबर को सुदेश ने पहले दिन अपनी छत की स्लैब डलवाई। मजदूर रविदास के कपड़े काफी पुराने वो फटी हालत में थे, लिहाजा सुदेश ने उसे अपना ट्रैक सूट पहनने के लिए दे दिया, जिसकी जर्सी कॉफी कलर की थी और लोअर नीले रंग का था। अगले दिन भी काम होना था, इसलिए सुदेश ने रविदास को अगले दिन फिर आने के लिए कहा। 19 नवंबर को दोमन रविदास उसी के कपड़े पहनकर फिर काम पर आया। शाम होते होते जब काम खत्म हो गया तो शाम को दारू पार्टी के बहाने रोक लिया, दोनों ने शराब पीना शुरू कर दी। इस दौरान सुदेश खुद कम शराब पीता रहा, जबकि उसने रविदास को बड़े बड़े पैक पिलाने शुरू कर दिए। रात करीब 9 बजे रविदास को खूब नशा हो गया। इस दौरान सुदेश और उस अनुपमा ने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। इस दौरान उन्होंने चारपाई के पाए से रविदास के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। ये बात बेटे सुनील को पता नहीं चले, इसलिए उसने सुनील को अपनी परचून की दुकान पर बैठने के लिए भेज दिया था। सुदेश ने पहले ही तय कर लिया था कि वो रविदास की हत्या कर उसे सुदेश के रूप में अपनी पहचान देगा, इसलिए एक दिन पहले उसने अपना ट्रैक सूट रविदास को पहनने के लिए दिया था, खुद को वो दुनिया की निगाहों में मुर्दा करार दे सके, इसके लिए भी उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। सुदेश और अनुपमा को जब इत्मीनान हो गया कि रविदास की मौत हो चुकी है, तो कमरे को पानी से साफ कर उसके शव को पहले एक पन्नी में लपेटा, उसके बाद उसे बोरी में भर दिया। रात को करीब 11 बजे जब इलाके में सन्नाटा पसर गया और उसका बेटा भी सो गया, तो सुदेश बोरे में भरे रविदास के शव को साइकिल पर रख कर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी में खाली प्लॉट में ले गया। वहां शव को बोरी से निकालकर उसके चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर अखबार के कागज वो टाट की बोरी रखकर जला दिया, ताकि शव की पहचान ना हो सके। शव की पहचान सुदेश के रूप में कराने के लिए उसने अपना आधार कार्ड रविदास की जेब में रख दिया था। पहले से तय योजना के मुताबिक सुदेश अपने घर गया और पत्नी को आकर बताया कि जब पुलिस उससे रविदास के शव की शिनाख्त कराए तो वो उसकी पहचान कर ले। सुदेश की पूरी प्लानिंग थी कि वो रविदास को सुदेश साबित कर दे, इसलिए पत्नी के साथ बनी योजना के तहत वो इसके बाद चोरी छिपे देर रात में ही घर आता और इसके अलावा इधर उधर छिपकर अपना वक्त बिताता था। 10 दिसंबर को सुदेश ने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि वो रात को घर आएगा, घर की लाइट जलाकर रखना, यदि सब कुछ ठीक हो तो गेट पर सफेद कपड़ा डाल देना। ये बात पुलिस ने सर्विलांस के दौरान सुन ली और पुलिस पहले से आरोपी की तलाश में उसके घर पहुंच गई और लाइट जलाकर गेट पर सफेद कपड़ा डाल दिया। सुदेश के पहुंचते ही पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को दबोच लिया। पूछताछ में सुदेश ने बताया कि जेल और सजा से बचने के लिए उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। जेल जाने से बचने के लिए उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये साजिश रची थी, लेकिन उसने पहली भूल ये कर दी कि काफी प्रयास के बाद भी अपने ही कदकाठी के मजदूर को नहीं तलाश सका था। सुदेश और अनुपमा की साजिश ये थी कि इस साजिश के पूरा होने पर वे दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आखिरकार उससे पहले उसके बिना जले आधार कार्ड, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों और दूसरे सबूतों ने उसकी खौफनाक साजिश का खुलासा कर दिया था। इसी दौरान पुलिस ने करावल नगर थाने और मंडोली जेल से रिकॉर्ड निकलवाकर पता कर लिया था कि सुदेश की हाइट 5 फुट 6 इंच है, जबकि इंदिरापुरी इलाके में जो शव मिला था उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी, यानी 3 इंच कम। इसके बाद पुलिस ने सुदेश के घर की निगरानी शुरू की, उसकी पत्नी के फोन को सर्विलांस पर लगाया और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने सुदेश के साथ उसकी पत्नी को भी डोमेन रविदास की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चारपाई का पाया वो शव को ठिकाने लगाने वाली साइकिल बरामद कर ली। सुदेश और अनुपमा की गिरफ्तारी के बाद धारा 201, 419, 420 और 120 भी जोड़कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ लोनी बॉर्डर पुलिस ने मृतक मजदूर डोमेन रविदास की करावल नगर थाने में दर्ज गुमशुदगी को अपने यहां ट्रांसफर करवा लिया। रविदास के साथियों के साथ रविदास के बेटे ने थाना करावल नगर दिल्ली में जाकर घटना के 3 दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।